మళ్ళీ మోడీనే ప్రధానమంత్రి కావాలంటూ ఓ యువ సీఏ పెట్టిన పోస్ట్ ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. మోడీని ఆయన పన్ను సంస్కరణలు విమర్శించేవారు నాణానికి ఒకవైపు మాత్రమే చూస్తున్నారని, గత 4 ఏళ్లుగా భారత్లో జరిగిన మార్పులు కనిపించడం లేదా అని ప్రశ్నించారు. ప్రధానమంత్రి పదే పదే వివిధ దేశాలకు వెళుతూ ప్రజల్ని పట్టించుకోవడం లేదంటూ ఫన్నీగా ఆరోపిస్తున్నారని పేర్కొన్న ఆ యువకుడు 70 సంవత్సరాల చెత్తను 4 ఏళ్లలో కడిగేసే ప్రయత్నం ప్రధాని చేశారన్నారు. ఇక ప్రపంచ దేశాలు భారత్ వైపు చూసేలా చేసిన ఘనత మోడీదని, గత పాలకులతో పోలిస్తే భారత్ ఇప్పుడు మెరుగైన ఫలితాలను రాబడుతుందన్నారు. ఓటు వేసే ముందు ప్రతి ఒక్కరూ ఒక్క నిమిషం ఆలోచించి మోడీకి మళ్ళీ అధికారం కట్టబెట్టి భారత్ను నిలబెట్టాలని పిలుపునిచ్చాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. మోడీ ఫ్యాన్స్ బీజేపీ శ్రేణులు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ అభిమానాన్ని చాటుకుంటున్నారు. నమస్కారం. आपके और मेरे जैसे सामान्य लोग जीएसटी जैसे टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में कितना जानते हैं? बिना अच्छे से जाने हम उन टैक्स रिफॉर्म्स पर बड़ी बड़ी टिप्पणियां कैसे दे सकते हैं, जब आज के समय में एक परिवार को साथ लेकर चलना इतना मुश्किल है. ऐसे समय में नरेंद्र मोदी पूरे देश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. केवल 4 साल जी मित्रों, केवल 4 साल में हम उन्हें रैंकिंग्स रेटिंग्स कैसे दे सकते हैं? क्या यह बात बड़ी नहीं है कि वे मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे भगोड़ों को देश में वापस लाने के लिए, उनका प्रत्यर्पण करने के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं? हम केवल उनका मजाक उड़ाना जानते हैं. अरे आज ये वो देश घूमा, अरे आज ये देश घूमा. कभी आपने सोचा है, कमरा बदलता है, बिस्तर बदलता है, तकिया बदलता है, यहाँ तक कि एक थाली में खाना भी नहीं मिलता. ऐसे में 65 साल का व्यक्ति देश को प्रगतिशील ऊंचाइयों पर ले जाने में अपना योगदान किस प्रकार दे रहा है? जो चाइना पिछले 70 वर्षों में भारत की सीमाओं में घुसने का एक भी प्रयास नहीं छोड़ रहा था, आज वह दोकलाम में दुम दबाकर क्यों बैठा है? क्यों हमें इतने राष्ट्रों का सपोर्ट मिला है, क्यों आज वो उस दबाव में आके अंदर आने का एक भी मौका नहीं ले रहा? मेरा तो केवल यही मानना है कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में जितना योगदान देश के लिए दिया है, उतना योगदान भारत के कोई भी भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने नहीं दिया. हम कब तक लोन वेवर जैसी स्कीम्स को सपोर्ट करेंगे? हम कब तक मुफ्त की रोटी मांगेंगे? कभी आपने शांत दिमाग से सोचा है कि एक किसान चाहता है उसको उसके अनाज का दाम अधिक से अधिक मिले, वहीं दूसरी ओर हम जैसे सामान्य लोग चाहते हैं हमें सब्जी फल अनाज कम से कम दाम में मिले, तो ये जो गैप है ये कौन फिल करेगा? भगवान ना करे कल को आपको आपके एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया जाता है, तो क्या आप अपने क्रेडिट कार्ड के वेवर के लिए भी गवर्नमेंट के पास जाएंगे क्या? पीएम ने इतनी योजनाएं बनाई है, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत कई जॉब्स क्रिएट होंगे, परंतु वे कोई जादू तो नहीं है ना कि आज योजना डाली कल 10 लाख जॉब आ गए. नहीं ना, हमें उसके लिए उन्हें समय तो देना होगा ना. 70 साल का कूड़ा मित्रों, 70 साल का कूड़ा 4 वर्षों में कैसे साफ किया जाएगा? ये तो साफ भी कर रहे हैं और प्रगति भी कर रहे हैं. मुझे यह सोचकर कई बार खेद होता है कि हमारे देश के कुछ नेता इनकी कुछ योजनाओं को गब्बर सिंह टैक्स, कुंभकर्ण योजना जैसे नाम दे सकते हैं. मित्रों, मैं फिर से आपसे एक बार यही अपील करूंगा कि यदि मोदी जी देश में चुनाव जीतकर वापस से नहीं आए तो मोदी जी का कुछ नहीं बिगड़ेगा. वे वही सादगी वाला जीवन अपने गाँव में जाकर अपने परिवार के साथ बिताएंगे. बिगड़ेगा तो देश के बच्चों का भविष्य, देश के युवाओं का भविष्य, देश का भविष्य. इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार एक कविता के द्वारा प्रस्तुत करता हूं. जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रस धार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. जय हिंद, जय भारत. अंत में मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी सूझबूझ के द्वारा एक सही व्यक्ति चुनिए और सशक्त भारत बनाइए. నిరంతర న్యూస్ అప్డేట్ కోసం ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉండే బెల్ సింబల్ ను క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి. అప్డేట్స్ ని మిస్ అవ్వకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, కామెంట్, షేర్, ఫాలో ఆన్ ఫేస్బుక్, గూగుల్ ప్లస్, ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్. ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ గ్రేట్ తెలంగాణ టీవీ.